Well, the man who's always under the spotlight, Neeraj Chopra. Congratulations, Neeraj. आज एक नया meet record आपने फिर से set किया है. तो खैर pressure तो नहीं था because Olympics के लिए आप already qualify कर चुके हैं. लेकिन competition की तैयारी क्या थोड़ा तो pressure होगा जाते समय? हाँ जी, मैं पिछले कंपटीशन में भी मेरा थोड़ा सा हवा की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी और सोच रहा था कि अच्छी थ्रो करूँगा, लेकिन एक सेंटीमीटर से नेशनल रिकॉर्ड टूटा था और इसमें मैं ट्राई कर रहा था कि और बेटर करूँ पिछले कंपटीशन से, लेकिन कई बार आपको पता है कि वो नहीं आ पाती है वो फीलिंग और बॉडी उस तरह की नहीं चलती है. लेकिन क्वालिफिकेशन मतलब जो हमारे वार्म थ्रो थे उनमें काफ़ी अच्छा मैं कर रहा था और जब स्टार्ट हुआ कंपटीशन तो पता नहीं कहीं ना कहीं कुछ कमी लग रही थी जो टेक्निक वगैरह में अच्छे से नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी खुश हूँ कि लास्ट थ्रो में मैंने मीट रिकॉर्ड किया 87.80 का. जी बिल्कुल. तो अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा लग रहा है जी, एक जो सोचा था वो तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक मीट रिकॉर्ड हुआ है और एक जो थ्रो है मेरी काफी ठीक है, मतलब आसपास है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, तो उसके लिए खुश हूँ. चलिए नीरज, जब बात करते हैं ओलंपिक्स की, इट्स जस्ट अराउंड द कॉर्नर, तो उसकी तैयारी कैसी चल रही है? ओलंपिक्स के लिए काफी अच्छी तैयारी चल रही है और ये जो कंपटीशन है इनके लिए बस ये था कि हमको बस खेलना है, इसमें कोई अपना ये नहीं था कि बस 100% देना है. यहाँ पे एक बस दो कंपटीशन हमको मिले थे तो हमको ट्राई करनी थी कि हम अपना कोशिश करें अच्छा कंपटीशन खेलें. तो अगर डिस्टेंस वाइज देखें तो काफ़ी अच्छे रहे हैं दोनों कंपटीशन, इंडियन ग्रांड प्री और ये फेडरेशन कप. तो ओलंपिक्स के लिए सब जो सोच रखा है उसके हिसाब से ठीक चल रही है, डिस्टेंस भी और जो सीजन ओपन किया था हमने दोनों कंपटीशन अच्छे से स्टार्ट हुए हैं, तो आशा है कि अच्छा रहा है ओलंपिक के लिए, बढ़िया तैयारी करेंगे. बिल्कुल, देश को आपसे बहुत उम्मीद है. सो ऑल द बेस्ट. थैंक यू.